दिस इज अविनाश फ्रॉम मेरोंस इंडिया। आज हम बात करेंगे SG803U मिक्सर के बारे में। SG803U की बैक पैनल, पावर सॉकेट, पावर ऑन ऑफ स्विच, USB टू PC कनेक्ट करने के लिए ऑडियो इंटरफेस, मेन लेफ्ट और राइट XLR आउटपुट, चैनल 1 टू चैनल 8 तक कॉम्बी जैक इनपुट। SG803U के चैनल नंबर 1 फैंटम पावर LED इंडिकेटर, पीक सिग्नल LED इंडिकेटर, फैंटम पावर स्विच, गेन नॉब, पैड स्विच। पैड स्विच को प्रेस करने पर 20 dB गेन डाउन होता है। 3 band EQ, हाई मिड लो कनॉफ, ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3 कनॉफ, इफेक्ट नॉब, पैन नॉब, सोलो बटन, म्यूट बटन। चैनल नंबर 1 टू चैनल नंबर 8 तक सेम ही फंक्शन है। चैनल 9-10 का लेफ्ट और राइट स्टेरियो इनपुट जो कि P38 जैक है। स्टेरियो और MP3 सिलेक्ट करने के लिए स्विच। अब स्टेरियो सिलेक्ट करेंगे तो P38 जैक काम करेगा और MP3 सिलेक्ट करेंगे तो MP3 सेक्शन काम करेगा। गेन नॉब और पीक LED इंडिकेटर बाकी सेम टू सेम चैनल 1 टू 8 तक जैसा सेम ही है। ये है इसका फेडर। फेडर का साइज 100 mm है और काफ़ी स्मूथ भी है। यह है इफेक्ट का फेडर, यह ऑक्स 1 का फेडर, ऑक्स 2 का फेडर, ऑक्स 3 का फेडर, लेफ्ट और राइट मेन फेडर। लेफ्ट और राइट चैनल का 7 band GEQ। GEQ को ऑन करने के लिए आपको EQ1 को बटन को प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न का नॉब, इफेक्ट टू ऑक्स 1 का नॉब, इफेक्ट टू ऑक्स 2 का नॉब, फोन का नॉब। यह सिग्नल LED इंडिकेटर। यह इसका इफेक्ट सेक्शन। इसमें 1 टू 16 डिजिटल इफेक्ट्स है। यह इसका प्रोग्राम नॉब। इसको घुमा के आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हो और उसको प्रेस करने पर इफेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। यह इसका पैरामीटर नॉब। यह सबवूफर फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए नॉब। यह उसका गेन नॉब। यह इसका मल्टीमीडिया सेक्शन। इसमें USB, ब्लूटूथ, रिकॉर्डिंग और PC कनेक्ट भी कर सकते हैं। यह इसका प्रोग्राम का नॉब। यह इसका मोड सिलेक्शन स्विच। अभी हम USB प्लग करके देखते हैं। USB इंसर्ट करने के बाद यह उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। प्रोग्राम नॉब को घुमा के आप ट्रैक को प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम नॉब को एक बार प्रेस करने पर वो पॉज हो जाता है, दोबारा प्रेस करने पर वो प्ले हो जाता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको मोड सिलेक्शन स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, तब ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोग्राम नॉब को प्रेस करने पर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, दोबारा प्रेस करने पर रिकॉर्डिंग को पॉज किया जाता है, फिर से प्रेस करने पर रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो जाता है। रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए आपको मोड सिलेक्शन स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्डिंग स्टोर हो गया है और उसको वो प्ले कर रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये मोड बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद ये ऐसे ब्लूटूथ लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको डिवाइस को ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा और अवेलेबल डिवाइस में वो WN रेडियो लिख के आ जाएगा। उसके साथ आपको पेयर करना है। पेयर करने के बाद ये सर डिस्क का सिंबल आ जाएगा।
उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी गाना प्ले कर सकते हैं। SG-803U को PC से कनेक्ट करने के लिए आपको ये USB 2 USB वायर चाहिए। USB वायर का वन साइड आपको SG-803U का USB स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ेगा और दूसरा साइड PC की USB स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ेगा, तब ये इसे PC लिख के आ जाएगा। उसके बाद PC का ऑडियो डिवाइस सिलेक्शन में जाना है और स्पीकर USB 2.0 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो भी गाना प्ले करेंगे वो मिक्सर में प्ले हो जाएगा। लेफ्ट और राइट P38 मेन आउटपुट, रिटर्न का जैक, सबवूफर आउटपुट के लिए XLR जैक, ऑक्स का जैक, ऑक्स 2 का जैक, ऑक्स 3 का जैक, फोन का जैक, लेफ्ट और राइट रिकॉर्डिंग आउट के लिए जैक। तो चलिए अभी SG-803U का साउंड चेक करते हैं। ये है उसका माइक, तो अभी माइक में बोलते हैं। हेलो, हे माइक चेक 1 2 1 2 1 2। हेलो, हे माइक चेक 1 2 1 2। तो चलिए अभी हम उसको इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हेलो, हे माइक चेक 1 2। हेलो, हे माइक चेक 1 2। तो ये इसका इफेक्ट के साथ माइक टेस्ट था। तो चलिए अभी SG-803U में पेन ड्राइव से गाना प्ले करके देखते हैं। Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।